नमस्कार। मेरे को ही पार्किंग नहीं मिली नीचे, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इतना अच्छा बिल्डिंग और ये सब देखकर। इट इज अमेजिंग दैट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड व्हेन आई जॉइंड फर्स्ट टाइम द सिंटा, इट वाज अनबिलीवेबल। इट वाज सो स्मॉल एंड नेवर न्यू दैट आज इतना बड़ा मकान और इतने सारे लोग एंड we're going to be this big. I would like to congratulate all the people who are involved with Cinta. I think it's an amazing thing. Congratulations to all from my side. I'm here basically, this one of my actresses Sonia Virje aur ye bhi mere ek dost hain, unki beti hain Hemant Virje, aap logo ko pata hai Tarzan. So I would like to give a big hand to Hemant. That's such a beautiful girl he's in. And she's also coming in my film. She's also being launched. One of the films I've completed, मैंने अभी खत्म की है, जिसकी release अभी 10 मई को है। तो मैं चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा आप लोग सब थिएटर्स में जाएँ, क्योंकि अभी तक OTT अभी तक बिकी नहीं है as usual. तो आप लोग थिएटर में जाएँ और उसे अपना प्यार दें and see whatever you all can do, sharing whatever you can share with regards to Tipsy. It's called Tipsy. एक और मेरी एक्ट्रेस आने वाली थी, वो भी लेट हो गई है, तो आई थिंक वंस शी कम्स आल्सो आई विल इंट्रोड्यूस यू गाइस टू हर आल्सो, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। थैंक यू आप वाणी सर। कलाकार यहाँ पे मौजूद है, आप सबको हम सलाम करते हैं। यहाँ पे हमेशा प्रोग्राम होते रहते हैं और हम आते जाते रहते हैं। ये वास्तु बहुत ही पवित्र है और इसके लिए हम लोग हमेशा बैठे हैं। ये वास्तु खड़ी रहने के लिए बहुत सारे कलाकारों ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, उन सबको भी मैं सलाम करती हूँ। और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। धन्यवाद, धन्यवाद भारती जी। ऐसा तो मार्केट में आपको तो पता है कितना दादा साहब फाल्के चलता है नाम, तो सीधा ये तो फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ है, इट इज़ ओरिजिनल। उनका ग्रैंड सन भी प्रेजेंट है, तो आई थिंक इट इज़ गुड। सर, आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, आप किससे इंस्पायर होते हैं उसके बारे में? गरीब लोग से इंस्पायर होता हूं। क्या बात है, क्योंकि वो दुआ देते हैं ना। क्या बात है, फंक्शन को बड़े लोग तो प्रोफेशनल रहते हैं। सर, सिनेबस्टर में जिस तरीके से फंक्शन को सहयोग किया गया, सिनेबस्टर वो अभी भी चल रहा है। सर का एक है सर, हमेशा जो तकलीफ में है या जो जेन्युइन पर्सन है उनको हमेशा हेल्प करके आया। फिर से सर, आप कितना मोटिवेट होते हैं सर से, जिस तरह से? बहुत सर, देखने में बाजू में खड़ा आज के तारीख में, और लास्ट वीक में सर के साथ सिंगापुर में था, बहुत मोटिवेट होते होते होते। सर, क्या क्या प्रोजेक्ट से आगे अगर शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के साथ? प्रोजेक्ट फॉर द इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आते हैं आपको इतला की जाएगी। सर, फिल्म प्रोड्यूस करने का कोई प्लान है अगर शेयर करें, और कौन से एक्टर के साथ? नहीं, बेसिकली देखो, राजू जी जो है उनके कोई फैमिली फ्रेंड है। जब मेरा लंदन में पूरा स्टाफ का टूर था, तो उन्होंने इंडियन खाना वहाँ से भिजवाया था घर पे, पूरे स्टाफ 40 लोगों तो जो अन्न खाता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, किसी का भी। क्या बात, तो उनको बोला जब भी एनी टाइम यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प आई एम देयर, क्योंकि वो मेरे स्टाफ को भी खिलाए, हम भी खाए, मेरे बच्चे भी खाए। इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जो आप काम कर रहे हैं, अभी शेयर बाजार में जाके तो पूछोगे ना सर आप क्या चल रहे हो, बिजनेस।
सर। एजुकेशन फील्ड की सर बात करें तो आप एजुकेशन में काफ़ी कुछ करते हैं। सॉरी, एजुकेशन फील्ड के लिए सर क्या करना चाहेंगे आप, काफ़ी काम करते हैं इंस्पायर करने का एजुकेशन इन एजुकेशन सेक्टर। दो सेक्टर है डिफरेंट, बिकॉज देखो हमारे पास जो जुड़े अच्छे से मेहनत से काम किए, इसलिए तो कीर्ति को डायरेक्टर बनाए उसको। आप लोग सब लोग आए थे PPCFS यानी कि PPC एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ओपनिंग पे आप लोग आए थे। काम जोर जोर से चालू है। हम लोग उन लोगों को हेल्प करते हैं जिनको फाइनेंशियली वीक रहते हैं और जिनको बाहर स्टडी करने का मौका दिया जाता है, और उनको हर तरह से हमारे तरफ से अंडर वन रूफ और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग हमेशा उनको हेल्प करते हैं। तो आप लोगों के पास भी कोई रहेगा एलिजिबल स्टूडेंट्स तो हमारे ऑफिस को भेज सकते हैं। आप देखो रॉनी जी एजुकेशन काफ़ी फील्ड के अंदर में लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी फिल्म की बात करता हूँ, फिल्में ले लो, सिनेबस्टर आज की डेट में वन ऑफ द टॉप मैगजीन में आ रहे हैं। जो रॉनी साहब किसी पे भी हाथ डालते हैं, किसी भी जगह पे हाथ डालते हैं तो हिट जगह पे उसको पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या अभी जी ने बोला कि फंडिंग की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स की हेल्प करने की बात कर रहे हैं, तो जो भी करते हैं एक क्लास करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये अवार्ड मिला, बाबा साहब फाल्के अवार्ड, इट्स ए वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। मैं राजू भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे आए, बहुत सोशल वर्कर हमारे यहाँ के विधायक MLA डॉक्टर भारती लवेकर जी भी आए, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग हमेशा मुझे कोऑपरेट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोनी जी ग्रेट मैन, ये तो हम लोग की इंडस्ट्री की शान और जान है, और इनका जो भी प्रोग्राम होता है माशाल्लाह बहुत जलवे के साथ हम लोग हमेशा इनके साथ हैं, और जब भी इनका कोई फंक्शन होता है हम सब को इन्वाइट करते हैं। तो रोनी जी को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, जैसे पूरा भरोसा होता है। मैं भी ये बात इसे कंटिन्यूशन में कहना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने में, मतलब मैं रोनी जी को, कीर्ति जी को, राजू जी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे कंट्रीब्यूशन को, जो मैं बीइंग एन एक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉलीवुड, सो आई एम थैंकफुल टू रोनी जी, राजू जी, कीर्ति जी। भानुशाली 30 तारीख को हमारा गाना रिलीज हो रहा है, गाने का नाम है यार नाराज ना हो, इट्स फ्रेंडशिप एंथम, तो उसकी दो लाइन आपको गुनगुना के चढ़ाते हैं। ओ रब्बा सब कुछ छीन लेना मुझसे मेरे यार ना मांग लेना, बस इतनी दुआ है मेरी हर जन्म यही यार देना, दुनिया की बुरी नजरे हमारे आस पास न हो, चाहे रब हो जाए नाराज पर मेरे यार नाराज ना हो। क्या बात है, क्या बात है।
तो 30 तारीख को गाना रिलीज हो रहा है, आप सब प्लीज इसे प्यार देना, और हमारे ही चैनल रामजी गुलाटी पे रिलीज हो रहा है, और पाजी का डेब्यू हो रहा है इसके अंदर, तो आप सबका और जबरदस्त सपोर्ट चाहिए हमें, और बाकी पाजी आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत आई वुड लाइक यू टू गिव दीपक सर, आई वुड लाइक टू यू अवार्ड शो दादा साहेब फाल्के जी, द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स इन आवर कंट्री, और हम मुझे और पाजी को बहुत खुशी है हमें इस अवार्ड से नवाजा गया है, एंड सच अ ब्यूटीफुल अवार्ड इवनिंग। सीरियसली अनएक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार भी देखकर और इस अवार्ड को भी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली बात है, इसमें तो बोलने वाली बात ही नहीं है, जब लोगों का इतना प्यार और आप लोगों का प्यार है तो ऑब्वियसली बात है, प्राउड फील वाली बात है। भाई आपका कोई गाना भी आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, गाना आ रहा है अपना, पाजी ने गाया, हमारे रामजी पाजी ने, मैंने तो डेब्यू किया है, यार नाराज ना हो, 30 तारीख को ही आ रहा है। भाजी 30 तारीख को गाना आ रहा है, मैं जाता हूँ उसी दिन प्रॉपर खुल के गाऊंगा, आप 30 तारीख को बिल्कुल प्रॉपर, सब कुछ प्रॉपर होगा। हाँ जी मोबाइल किसको दे रहे हो? मोबाइल जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। पूछ लो, हाँ ऐसा कौन सा मैन है जो अपने बारे में सब कुछ बता देता बिना बोले? ऐसा कौन सा मैन है जो अपने बारे में सब कुछ बता देता बिना कुछ बोले? मैन 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 मैंने अपनी वीडियो में ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछा है, और इवन ये क्वेश्चन मैंने एल्विस भाई से भी पूछा था, उसका भी व्लॉग डाला था। नहीं, मैन ऐसा कौन सा मैन है जो अपने बारे में सब कुछ बता देता है बिना कुछ बोले? नहीं गलत बात, तो देखो आईफोन तो फिर उससे कोई मिलेगा ना जो वीडियो देखता होगा। चलो नहीं, ऑडियंस ही कमेंट करके बता देगी, आपको पता लग जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड ऑनर कि मेरी फिल्म 10 तारीख को रिलीज हो रही है टिप्सी, जैसे आपने दीपक तिवारी सर से बात करी होगी। मेरा किरदार फिल्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरी शादी हो रही है जिसके लिए हम एक बैचलर ट्रिप पे जाते हैं और वहाँ पे मर्डर हो जाता है, सो फॉर दैट आई एम रियली ऑनर एंड डिलाइटेड एंड ग्रेटफुल दैट दे अवार्डेड मी विद दिस, एंड लेट्स सी हाउ द मूवी डज, प्लीज प्रे फॉर अस एंड आई होप आवर फिल्म इज सक्सेसफुल, क्योंकि काफ़ी मेहनत करी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद खुश हूँ बिकॉज ये बहुत ही एक अहम अवार्ड है, और अवार्ड तो बहुत से मिले लेकिन मेरे लिए ये अवार्ड सबसे ज़्यादा अहम है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इज्जत अफजाई की, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सम्मानित करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब इस सपनों की नगरी में आप आते हैं और आपको अप्रिशिएट किया जाता है और ऐसे नाम के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, दादा साहब फाल्के जी जैसे महान हस्तियों के साथ, तो आई थिंक यू मेड इट, यू मेड अ मार्क, क्योंकि लोग आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, और फिल्म रिलीज़ के पहले जब आपको एक अवार्ड मिल जाए इसका मतलब फिल्म तो कुछ कमाल करके ही जाएगी, एंड मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म अच्छा करे बिकॉज बहुत मेहनत का काम है, सिर्फ मेरा नहीं, ऑल माय अदर कोस्टार्स, माय डायरेक्टर, लाइट दादा, कैमरामैन, एवरीबॉडी बिहाइंड दिस हैज़ वर्क्ड रियली हार्ड, एंड इट्स अ गुड लक, इट्स अ ग्रेट फॉर्चून अगर पहले आपको अवार्ड मिल जाता है, एंड आई थिंक आपने जो किया है हमारे लिए उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप हमें बुलाएं एंड आवर फिल्म डज वेल, एंड मैं हमेशा आपको प्राउड कर सकूँ, एंड माई डैड्स ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब से मैं बॉम्बे आई हूँ मैं 8 अवार्ड जीती हूँ इस साल, एंड आई कैन ओनली से कि इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ग्रेट ग्रेट लक फॉर मी, थैंक यू सो मच। गोवा में तो बहुत कमाल किया, छलांगे मारी। फनी इंसिडेंट, इस फिल्म में आपने ट्रेलर में देखा होगा कि मैं ऊपर से नीचे गिर रही हूँ सोनिया बिरजे के साथ, तो ये स्टंट हम दोनों ने खुद किया है, और उस स्टंट में जब हम गिरे हैं
तो मैंने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से इंजर किया था, मेरा पूरा होठ फट गया था एंड दो दिन तक द फिल्म स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ मी. मतलब वो लोग शूट कर रहे थे पर मैं नहीं थी, बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था. एंड डूइंग एन एक्शन सीक्वेंस, प्लीज गाइज आई मस्ट से दैट यू शुड यूज स्टंट मैन एंड वुमेन. आई ट्राइड इट ऑन माई ओन एंड आई इंजर्ड माई सेल्फ, बट ओवरऑल स्विमिंग पूल में एंड गोवा में यस हमने काफ़ी मस्ती एंड मैजिक किया है. पर समटाइम्स पोनी वॉज अ पार्टी पूपर. मेरी शादी थी तो हम एक बैचलरेट ट्रिप पे गए थे और उसमें काफ़ी कुछ हुआ जैसे आप लोगों ने देखा. आगे देखिए क्या होता है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. थैंक यू. महेश भट्ट और पूजा भट्ट आए थे ट्रेलर लॉन्च के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक भट्ट साहब हैज़ अ वेरी इंडिजीनियस एंड अ वेरी amazing sense of storytelling and filmmaking, and he is such a respected, I think his ideas are so forward from the very beginning, and he's been a person, look at his daughter, why does she have that gumption and that great attitude in life? Because she was exposed to so many different things in her life at to understand the human emotion, characteristics of value system, and unhone kafi cheeze seekhi hain Bhatt saab se, tabhi wo itni amazing actress hai. Because the bringing of a woman is when you're exposed to different things in your life and you learn from them, and Bhatt saab has a great sense of storytelling and speaking and great command over his words. And Pooja Bhatt was a rock star and she still is a rock star. And to speak about how she overcame her drinking habits and to speak about how she supports the cause of being open about the idea of looking after yourself and coming up and rising like a phoenix from your ashes, I think we all as actors and human beings hame ye seekh leni chahiye ki never give up in life and keep moving forward. And आपके साथ जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जैसे दीपक सर वॉज विद पूजा जी एट 4 AM also if she called him, तो ऐसे दोस्त बनाना ज़रूरी हैं क्योंकि वो लाइफ टाइम काम आते हैं, चाहे वो फिल्म के थ्रू हो या इन रियल लाइफ हो. अच्छा, कभी आपने इतनी अगर आप पीती हो तो कभी ज़्यादा पी के टल्ली हो गई हो शूटिंग के दौरान? यू नो, टू बी ऑनेस्ट, हमें ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे हॉलीवुड फिल्म में एक्चुअली दे विल ड्रिंक समटाइम्स टू गेट ड्रंक, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि हम ड्रिंक करके करें. वी हैव टू फेक इट, बट इन रियल लाइफ इफ यू हैव अ ड्रिंक और टू दैट्स ओके, बट इफ यू गो ओवरबोर्ड गर्ल्स एंड गाइज यू नो यू नीड टू कॉल योर फ्रेंड्स हु टेक यू बैक होम. बट मैं कभी यू नो आई एम अ फिटनेस फ्रीक, तो थोड़ा यू विल नेवर सी मी गोइंग क्रेजी ड्रिंकिंग. बट येस आई हैड एक्सपीरियंसिस वेर आईव सीन पीपल एंड आईव टेकन देम बैक होम एंड क्लीन देयर प्यूक. सो या गर्ल्स एंड गाइज एवरीबडी ड्रिंक्स, बट ड्रिंक इन योर लिमिट्स एंड डोंट गेट इन टू एक्सीडेंट्स. या That's why I said, don't get into accidents, so don't drink and don't drive. Take care of your life and the people around you because you matter. Thank you. Sir, मुझे बुलाइए. मैं I love, मैं देखो मैं धारावी में पला बड़ा हूँ और धारावी में ज़्यादातर साउथ इंडियन चैनल देखने मिलते थे मुझे और मैं बड़ा एंजॉय करता था साउथ की फिल्में जितनी भी देखता था मैं. तो ये बहुत खुशी की बात है, अगर सन टी वी अगर हिंदी में आ गया तो उसमें फ्लेवर भी सारा साउथ इंडियन ही होगा. मारे रजनी. तो बहुत बहुत बधाई सन टीवी को कि आप हिंदी में लेकर आ रहे हैं. ये जितने व्यूवर्स है वो आपके इतने फ़ैन हैं, साउथ स्पेशल साउथ के बहुत बड़े फ़ैन हैं. पूरा मैं यूपी में भी जाता हूँ शो के लिए, तो यूपी में भी साउथ की फिल्में इतनी देखी जाती है. मतलब बहुत लाइक करते साउथ के एक्टरों को, तो क्योंकि उन्होंने अपना ओरिजिनल किया है. करेक्ट, साउथ का हमेशा ओरिजिनल कंटेंट आता है तो लोग बहुत प्यार करते हैं. और ये जब आएगा ये चैनल तो बस छा जाएगा. दिल से ब्लेसिंग है, गुड लक. धूल कैसे उड़ाते हैं साउथ में? इतना धूल कैसे उड़ाते हैं रात मार के? साउथ में जो धूल उड़ाने का जो तरीका ना, पहले सबसे पहले तो पैर से लुंगी उठाते वो लोग. ए धूल उड़ी धराक. वो सारा काम डायरेक्टर का था. फिर जब वो अच्छा उतरते भी कैसे मिलेंगे, ए तू ने कैसे मुझे मर करे पागल के तू. ये उनका तरीका है. आप कोई भी साउथ की फिल्में देखिए, उनका जब कभी किसी को बुलाया जाता है कि मेरा बेटा आने वाला है अभी वो बदला लेगा, तो माँ मतलब जो माँ की जो एक्टिंग होती है साउथ की फिल्मों में जो एक्टिंग होती है, तूने तूने जो किया है उसका बदला लेने के लिए मेरा बेटा आएगा और देखना वो छा जाएगा, तेरे बोटी बोटी करके खा जाएगा वो देख वो आ रहा है. और फिर हीरो की एंट्री होती है, पहले चश्मा आएगा, फिर गमछा आएगा, फिर सिगरेट आएगा, सिगरेट फेंक दी ऊपर, तब तक हीरो आगे चलेगा आगे चलेगा, फिर कैमरे की तरफ आएगा, सिगरेट पकड़ेगा ठक, फिर सिगरेट यहाँ से ली वापस, फिर यहाँ से ली.
तो ये सारे जो इफेक्ट है वो साउथ में ही हो सकता है और उसकी कॉपी आज हिंदी वाले कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि साउथ इंडियन जितने भी डायरेक्टर हैं उनको सबसे सैल्यूट है। आप जो आर्टिस्टों से काम कराते हैं, मतलब किससे भी काम कराए, आप तो पत्थर से भी काम करा सकते हैं। पत्थर भी जब उठेगा, पत्थर को भी स्टार बना देते, बोले ए इसे देख रहा है तू, पत्थर आए ढंग टाटा टाटा, पत्थर पे भी एक कैमरा जाएगा। मैं फिर बाद में यहाँ हाथ में आया, मतलब पत्थर 5 मिनट तक आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, फिर वो आएगा ये कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के पितामह का ये जो अवार्ड मुझे मिला है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी 4 पीढ़ियां 1935 से लेकर 2024 तक काम कर रही है इंडस्ट्री में, और इस तरीके का अवार्ड मिलना हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। राजू जी ने जो भी इनके ऑर्गेनाइजर है उनको बहुत बहुत बधाइयां, खास करके मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाइयां कि वो समय समय पर हम लोगों को कवर करती है और ऐसे फंक्शनों में आप लोग आते हैं हम लोगों को कवर करते हो, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी और इस शो के ऑर्गेनाइजरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने तमाम चाहने वाले और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, रोनी साहब, रोनी रॉड्रिक्स साहब तो खुद अपने आप में एक अद्भुत है और उनके हाथों से अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो मेरे चहितों में से एक चहीते हैं। रोनी साहब का भी जब फंक्शन होता है तो वो कमाल का होता है, तो ये अवार्ड ऐसा ही लग रहा था कि रोनी साहब का अवार्ड है जो उनके हाथों से मिला मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक गाना जरूर गाना चाहूंगा क्योंकि वो गाना मेरे को बहुत साल हो गए गाए हुए, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।